बिस्मिल्लाह हमारी रही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, चैप्टर नंबर 13, सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर चार रेजिस्टेंस हैं जो आपने कनेक्ट कर दी हैं इस अरेंजमेंट के साथ, चार में से तीन रेजिस्टेंस नोन होने चाहिए, तो फोर्थ रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है, व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर इज जीरो एंड द ब्रिज इज टू बी बैलेंस्ड। इस प्रिंसिपल में, इस पूरे मेथड में आप एक डिवाइस यूज करेंगे जिसको आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब आप सारे कनेक्शन कर देंगे, सेल कनेक्ट कर देंगे, सब कुछ कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब चार्ज ही नहीं गुजर रहा तो चार्ज के ना गुजरने से एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन होगी हम कहेंगे कि ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज को हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद हम फॉर्मूला यूज करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो इसकी अरेंजमेंट जो हम यूज करने वाले हैं, सर्किटल अरेंजमेंट, वो कुछ ऐसे है। यहाँ पे आपके पास चार रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। इसको आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसके सेंटर में आपने बी डी, इस पॉइंट पर बी से डी, यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो लूप्स बन गए हैं, एक लूप 1 जिसमें करंट I1 फ्लो करेगा, एक लूप 2 जिसमें करंट I2 फ्लो करेगा। ये दो लूप्स बन गए हैं। लूप 1 को हम क्या देते हैं, नेम देते हैं कि ABDA, ये कोई लूप 1 है, BCDB ये कोई लूप 2 है। दो लूप्स के दरमियान में हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है और एक और लूप है लूप 3 जिसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है और ये इन दोनों लूप्स के बाहर है। लूप 1 में दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 3। लूप 2 में भी दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 4। लूप 3 के अंदर दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4। यहाँ पे लूप 3 में हमारे पास एक स्विच है, यहाँ पे सेल कनेक्ट किया हुआ है हमने और इसके लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल से हमने देखा है कि जैसे हम अटैच करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और इस अरेंजमेंट का करंट हमारे पास आ रहा है कि हमने जो देखा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। अब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमने किरचॉफ का रूल यूज करना है। किरचॉफ रूल के थ्रू हमने यहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस की मेजरमेंट्स करनी है। सबसे पहले हमें लूप 1 को देखना पड़ेगा। ये लूप 1 है जिसकी हम बात करने वाले हैं। लूप 1 के अंदर हम देख रहे हैं कि फिलहाल करंट I1 है, करंट I1 फ्लो कर रहा है और दो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R3। सबसे पहले R1 की मेजरमेंट्स हमने करनी है। तो हमने देखा था कि लूप के अंदर अगर हम हैं और हम उसका पोटेंशियल चेंज लिखते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव I1 R1। ये हमारे पास R1 का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्योंकि नेगेटिव हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो डिक्रीजिंग की तरफ है, एनर्जी के लॉस को इंडिकेट किया जा रहा है। फिर करंट फ्लो करेगा R3 में से। अब R3 पे आप गौर करें, R3 से एक तो करंट है I1 जो फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट है I3 जो ये लूप 3 से होके यहाँ से गुजर रहा है और I3 की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी अगर हम बनाएं, I1 की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी अगर हम बनाएं। तो अब I1 क्योंकि लूप के अंदर है तो I1 R3 नेगेटिव आएगा और लूप के बाहर है I3 तो इसीलिए I3 को हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव I1 और R3, इसके बाद हम लिखेंगे पॉजिटिव I3 R3। नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर में से भी दो करंट्स पास कर रहे हैं, एक करंट है आई वन जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, एक करंट है आई टू जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। आई वन क्योंकि लूप के अंदर की बात हो रही है तो इसलिए लूप के अंदर से हम लिखेंगे नेगेटिव आई वन आर जी, ये यहाँ पे हमारे पास इस लूप की कंडीशंस आ जाएंगी। और इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आई टू। अब क्योंकि आई टू लूप के बाहर फिल फ्लो कर रहा है इसलिए इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव आई टू आर जी। आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो भी चीज होती है जो भी डिवाइस होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती ही है। और ये लूप वन के लिए लिखा है हमने इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास लूप वन के लिए एक कंप्लीट किरचॉफ सेकंड रूल हमने लिख लिया है। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लिखें आर थ्री को और आर जी को, आर थ्री यहाँ से कॉमन लेते हैं, हम यहाँ से नेगेटिव आर थ्री को कॉमन लिखते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव हमने बाहर कॉमन लिख लिया है तो यहाँ से ये आई वन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आई वन आ जाएगा। और ये नेगेटिव बाहर कॉमन लिखा है तो इसीलिए यहाँ पे अब हम नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव आई थ्री। इस तरह से हमने यहाँ से नेगेटिव आर थ्री को कॉमन लिख लिया है। सिमिलरली आप यहाँ से आर जी को कॉमन लिखिए नेगेटिव आर जी को, तो नेगेटिव आर जी हम जब यहाँ कॉमन लिखेंगे हमारे पास दो टर्म्स बचेंगी, आई वन विच इज पॉजिटिव, आई वन हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और आई टू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक लूप वन के लिए किरचॉफ्स का रूल बन गया है, हमने जो कॉमन लेके भी सॉल्व कर लिया है इसको, इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास नेगेटिव आई वन आर वन एज इट इज रहेगा, ये कोई इक्वेशन नंबर वन है, इसको इक्वेशन नंबर वन कह लें, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन 13.23 के फॉर्म में हमने यहाँ लिख ली है। बिल्कुल ऐसे ही अब आप सेकेंड लूप के लिए लिखें, सेकेंड लूप हमारे पास बन रहा है बी सी डी बी। ये सेकेंड लूप के लिए अगेन हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लूप के अंदर हैं क्योंकि, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव आई टू आर टू, ये नेगेटिव आई टू आर टू हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेगेटिव आई टू आर फोर, आर फोर में से अब दो करंट्स पास कर रहे हैं, एक करंट आई थ्री है एक करंट आई टू है। आई टू करंट पास करेगा इस डायरेक्शन में और आई थ्री करंट पास करेगा इस डायरेक्शन में। हम लूप के अंदर हैं तो आई टू को हम नेगेटिव लिखेंगे, लूप के बाहर है आई थ्री तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर के लिए आई टू को हम क्योंकि लूप के अंदर हैं इसको हम नेगेटिव लिखेंगे और लूप के बाहर है करंट आई वन उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन पूरी 13.24 बनेगी। हम यहाँ से पूरी इक्वेशन लिखने के बाद कॉमन भी लेंगे, हम लिख लेते हैं इसको नेगेटिव आई टू आर टू नेगेटिव आई टू आर जी एंड देन हमारे पास होगा गैल्वेनोमीटर से आई वन। अब यहाँ क्योंकि हम लूप के अंदर हैं तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव आई टू पॉजिटिव आई वन आर जी, दैट विल बी द पोटेंशियल चेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड देन नेगेटिव आई टू आर फोर पॉजिटिव आई थ्री आर फोर इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपने नेगेटिव आर जी कॉमन लेना है तो हमारे पास नेगेटिव आर जी कॉमन लेने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। यहाँ से आपने नेगेटिव आई फोर कॉमन लेना है तो आई टू माइनस आई थ्री के साथ ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ये दो इक्वेशन हैं इक्वेशन 13.23 और 13.24, ये हमारे पास बन जाएंगी इक्वेशंस। और फिर इसके बाद हमने मूव करना है, यहाँ से हम कंडीशन फॉलो करेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो इफ आई वन माइनस आई टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे गौर करें
कि हमारे पास इस टॉपिक में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट गैल्वेनोमीटर में से जो फ्लो कर रहा है वो ये है I1 माइनस I2, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और उसका करंट। यहाँ पे यही दो करंट्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं जी। तो गौर करें, ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की, इसके साथ ये करंट्स हैं I1 और I2, ये दोनों करंट्स फ्लो कर रहे हैं। और हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है कि अगर उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम जीरो कर दें, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो I1 माइनस I2 है, इसीलिए I1 माइनस I2 को यहाँ पे हमने जीरो कर दिया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू जीरो, सो I1 इज इक्वल्स टू I2। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस में जहां कहीं I1 है उसको I2 पुट करना है, पुट करेंगे आप तो आप गौर करेंगे कि हमारे पास इतना फैक्टर जो है ये इक्वल करने से ये खत्म हो जाएगा, तो चीज बचेगी हमारे पास वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर का पार्ट खत्म हो जाएगा, जो चीज बचेगी वो ये है I1 R1 और यहाँ से I1 माइनस I3 R3। क्योंकि ये नेगेटिव है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी आपने इतना पार्ट और इतना पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो कर देना है, ये खत्म हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके बाद ये नेगेटिव है इसको आप यहाँ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 13.25 और 13.26 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस में से हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बाद यहीं पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड जैसे ही हम करेंगे कि I1 कैंसिल हो जाएगा इस I1 से, ये I1 माइनस I3 और ये इतना फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद जो टर्म बच रही है वो है R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। ये कंडीशन है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंगली हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यानी हमारे पास जब कभी भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे, ये प्रैक्टिकल है सेकेंड ईयर का जो आप परफॉर्म करेंगे आफ्टर कम्प्लीटिंग योर कम्प्लीट बुक, तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में आपको चार रेजिस्टेंस दी जाएंगी, तीन आपको पता होंगी, एक अननोन होगी। उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आपने कंडीशन फॉलो करनी है कि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास सेल कनेक्टेड है, उसके बावजूद सेल कनेक्टेड होने के बावजूद हमारे पास उस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में से वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो आपके पास है वो जिस भी पॉइंट पर है उसकी नीडल सीधी ही होगी, जीरो पे होगी, इट मीन्स कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से आप रीअरेंज करके फर्स्ट कर लें, आपको R2 पता है, R3 पता है, R4 पता है, तो आप इस फॉर्मूले में से R1 को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ एनी अरेंजमेंट।